न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव पहुंचा है बनभूलपुरा की उन तंग गलियों में जहां से उपद्रवी बाहर आए थे और थाने को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, थाने के सामने आग लगा दी थी। लेकिन अब बनभूलपुरा की इन तंग गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है, घरों में जो अंदर से ताले लगाए गए हैं ताकि कोई भी अगर पुलिस भी खटखटाती है तो तब भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग उपद्रवी थे वो इन गलियों से ही आए थे और दौड़ लगाते हुए फायरिंग करते हुए ऐसे यहाँ पहुंच रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, जब भी छापेमारी की जाती है, क्योंकि कल रात देर रात भी इसी गली में पुलिस यहाँ आई थी और यहाँ पर तकरीबन 150 जवानों ने आसपास के इलाके में छानबीन की और इसी गली के अलावा दूसरी गलियों में देखो अभी भी अंदर से लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर कर्फ्यू के हालात में पूरी तरह से टाइट यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये कहा गया है कि कोई भी नहीं आ सकता है। और उसके अलावा जो आज फूड सप्लाई है वो यहाँ पर दूध की सप्लाई वगैरह की गई है और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं क्योंकि दूध सप्लाई करने के अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो लोगों को यहाँ पर दी जा रही हैं। मुला जी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, दूध सप्लाई वगैरह की दिक्कत वगैरह आप लोगों को हो रही है? नहीं, दूध की तो दिक्कत हो रही है साहब। हाँ, दूध की दिक्कत है, दूध नहीं आ रही, यहाँ गाड़ी नहीं आई है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसको लेकर क्या आपकी राय है? आप काफी बुजुर्ग हैं, यहाँ पर रहते हुए क्या करा जा सकता था? ये तो प्रशासन की बात है। हाँ। प्रशासन क्या कर रहा है? लेकिन जो लोगों ने किया, जो बनभूल था, देखिए हुआ तो गलत है, हुआ तो गलत ही है, जो भी कुछ हुआ इतने पैमाने पे, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होना चाहिए था। आप तो काफी समय से यहाँ रहते हो, 40-45 साल से यहीं के हैं। ये लोग जो लोग थे कहाँ से आए थे? क्या बाहर के लोगों ने, क्या मानते हैं आप या कि यहीं के स्थानीय लोगों ने किया? नहीं, बाहर के क्यों आएंगे, यहीं के लोगों ने किया, यहीं के होंगे सब। देखिए गम और गुस्सा था बस। गम और गुस्सा क्यों था? प्रशासन द्वारा अलग अलग तरीकों से लोगों की जमीनें, वो सरकारी जमीन ही थी। अवैध कब्जा था, अवैध कब्जा था बस उसका था, और कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये। जी बहरहाल अब ये तो प्रशासन जाने कि वो क्या कर रहा था। कई जिस तरह से तोड़फोड़ की गई स्थानीय लोगों के द्वारा, ये तो गलती है, तोड़फोड़ है या पत्थरबाजी है, ये तो गलत है। पुलिस अपना काम कर रही थी, उसे कर देना चाहिए था। पुलिस का कहना था कि अवैध कब्जे को हटाने के लिए उन्हें सही कानून व्यवस्था को काबू करना था, लेकिन सही है, यही बात थी, यही बात थी। लेकिन जो लोगों ने क्या वो गलत किया, गलत है। कहीं ना कहीं उपद्रवी जो है पेट्रोल बम बनाकर लाए, आग लगाई, ये तो हमें टीवी से पता चला, हमने तो देखा भी कहा नहीं। ये है क्योंकि यहाँ तो कोई किसी को जाने थोड़ी दे रहा है, कोई निकल थोड़ी रहा है, नहीं कर्फ्यू लगाया तो बिल्कुल। हाँ, कोई जा ही नहीं रहा है। हाँ, वैसे शांति है इस इलाके में, तो शांति है। अच्छा। हाँ, इधर तो है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस रात को आ रही है, घूम रही है इधर। हाँ, गश्त हो रही है, छापेमारी भी की जा रही है इलाकों में। हाँ, ये भी सुनने में आया कि छापेमारी हो रही है। क्या आपको लगता है, क्योंकि 40-45 साल से आप रह रहे हैं, ये कहा जा रहा है क्योंकि अब्दुल मलिक को इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसका मलिक का बगीचा? हाँ, ये सब देखिए, वो तो जमीन मशहूर थी कि ये मलिक का बगीचा है। अब उन्होंने कह, उन्हीं की तो थी है, अब उस पर लोगों ने कैसे लिया, क्या करा, ये तो वो जाने। हाँ, लेकिन वो उनके मशहूर था ये मोहल्ला कि ये मलिक का बगीचा है। अच्छा, लेकिन इनका परिवार तो गली नंबर 8 में रहता है। जी जी जी, पुराने हैं ये लोग तो, अंग्रेजों के जमाने के हैं साहब। तो अरबपति हैं ये। अब जो मेहनत कर रही है सब अरबपति हैं आजकल। अच्छा। लेकिन बैकग्राउंडर जिस तरह से है, क्योंकि एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें मलिक सरकारी अधिकारियों से झड़प कर रहा है और कह रहा है कि ये उसी का था सब सामान। हमने तो कोई अभी देखा नहीं इसमें का। बहस कर रहा है कि जमीन मेरी है, लेकिन कागज नहीं दिखा पा रहा था। कागज तो यहाँ बहुतों के पास नहीं होंगे। अच्छा। ये पूरा हल्द्वानी तो नजूल है। अच्छा। मोस्टली नजूल है ये। अभी इसमें एक प्रक्रिया चली थी फ्री होल्ड की, तो कुछ लोगों ने कराया, कुछ ने नहीं कराया। सरकार ने पैसे इतने रख दिए कि लोग नहीं करा पा रहे हैं फ्री होल्ड। अच्छा जी। यहाँ पर क्या रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी भी बसे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि यहाँ पर बाहरी इलाके में? नहीं 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 नहीं, बांग्लादेशी तो कभी कोई देखा ही नहीं हमने, ना कभी सुना कि कोई बांग्लादेशी है, ना रोहिंग्या तो मतलब ही नहीं। नहीं, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो रह रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ रह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें का तो कोई किस्सा है ही नहीं, वो है ही नहीं। हाँ, कई बार जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। हाँ ना, ना, ना कभी। हाँ, ये हो सकता है कि जानकारी ना हो,
वैसे इसमें का कोई है नहीं, ना कोई बांग्लादेशी है, ना कोई रोहिंग्या है, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा चल ठीक है, बात करने के लिए चाय वाय पी लीजिए। आपका नाम क्या है? डॉक्टर एन एच खान। डॉक्टर एन एच खान हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि जिस तरह से कर्फ्यू है, और कर्फ्यू में आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग जो है घरों के अंदर हैं, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये हो जाती है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो सामान्य बनने में काफ़ी समय लग जाता है। और देखो तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो गलियां हैं वो बिल्कुल यहाँ पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जो कुछ लोग मुश्किल से, हमने बात करने की कोशिश की न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर लोगों को लाना चाह रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह के हालात हैं, और यहाँ पर अलग अलग जो लोग थे जिन्होंने जिस तरह से बवाल किया था वो बिल्कुल ठीक नहीं किया, और जो उनकी राय है, हालांकि पुलिस का कहना है कि बनभूलपुरा इलाके में अभी भी कर्फ्यू लागू है, और उसके अलावा जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो यहां पर अभी भी पूरी तरह से तंग है, बंद की गई हैं, ताकि किसी तरह की जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो आगे न बढ़ पाए। हालाँकि इलाके के लोग कई अलग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन प्रशासन ने आज सुबह से कुछ जो दूध की सप्लाई जिसको लेकर परेशानी हो रही है उसे शुरू करने की कोशिश की है, ताकि लोगों तक कुछ ज़रूरी सामान पहुंचा जाए। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बाद यहाँ के लोग खुद घरों के अंदर कैद हैं, और देर रात भी कई जगह पर छापेमारी की गई थी। बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू है, लेकिन लोग जो यहाँ पर कैद है घरों में, क्या उनकी राय है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए? कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं घर की, आपका क्या नाम है जी? शबीना। शबीना जी, उपद्रव हुआ था 8 फरवरी को, उसके बाद आपके पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। जी जी। कौन ये लोग थे, क्या चाहते थे, और किस तरह से सब कुछ? हमें तो कुछ नहीं पता, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही थी। मैं 4 बजे स्कूल से आई हूँ तो कुछ नहीं था, आराम से मैंने फ्रूट्स भी खरीदे रास्ते में, और लग ही नहीं रहा था कैसा माहौल होगा। मुझे तो बाहर के इनके मेरे हस्बैंड के दोस्त का हेमंत शाह जी का फोन आया कि भाभी वहाँ पर ऐसा हो रहा है, मैं खटीमा से आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था यहाँ पर। जब यहाँ पर थाने में आग लगी तो हम तो घर के अंदर ही था, हमें मालूम ही नहीं। तब हमने बाहर जाके देखा तो वहाँ तो इतना उपद्रव हो रहा था, कुछ नहीं था। अच्छा। कुछ नहीं लग रहा था हमें तो। हम तो नॉर्मल आए, हम तो बच्चे छोटे छोटे हमारे स्कूल के पढ़ने वाले सब अपने घरों को गए, और हम भी अपने अपने घर में। 4 बजे उसी एरिया में, गांधीनगर में जॉब करती हूँ मैं, तो गांधीनगर से मैं निकली हूँ तो कुछ भी नहीं लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ होगा। बस पुलिस वुलिस खड़ी थी, वो तो रोज ही खड़ी हुई थी, एक हफ्ते से लगातार खड़ी थी। कभी आपने इतने सालों में कुछ देखा यार इस तरह से? ऐसी कोई घटना नहीं देखी, कुछ नहीं देखा हमने। ये जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ ये, और हल्द्वानी के लिए तो शर्मनाक घटना है ये। और हमारा उत्तराखंड बहुत, हमारा हल्द्वानी बहुत पीसफुल माना जाता था, पीसफुल जगह थी, लोग यहाँ आके बहुत खुश रहते हैं, तो हर लिहाज से हमारा हल्द्वानी बढ़िया था, और हम तो गर्व से कहते थे कि हमारा हल्द्वानी इज़ द बेस्ट। और आज बहुत अफसोस हो रहा है। ये जो लोग थे, क्या ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग बाहर से आकर ऐसा माहौल खराब कर सकते हैं, कुछ ऐसी उम्मीद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानती इस बात को, क्योंकि नॉर्मल थे ना, कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा होगा। हाँ सब कुछ, बस ये सबके विवेक से काम लेना चाहिए, कोई भी बात है जज्बात से या एकदम गुस्से में नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रशासन से रुकना चाहिए था। अच्छा। प्रशासन ने जल्दीबाजी कर दी इसमें, तो प्रशासन को थोड़ा रुक के काम इसमें करना चाहिए था, लोगों से बातचीत करके सॉर्ट आउट करा के उसको करना चाहिए था। जब उसमें सील लग गई थी तो उसको रोक देना चाहिए था, उसे सील कर देना चाहिए था। हाँ, प्रशासन का कहना है कि जो अवैध कब्जा था, जो अब्दुल मलिक का, बाद में तोड़ते हैं कुछ करते जो भी होता है उसमें फैसला, लेकिन फिलहाल तो रोक देते ताकि वो जो है कम से कम इतनी वो तो नहीं होती आज गनी, और ये वो जितना चला है यहाँ पे हल्द्वानी इतना नहीं जलता, ये रुक जाता। क्योंकि जो उपद्रवी थे उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों को आग जिंदा जलाने की कोशिश की है। ना ना, ऐसा तो नहीं सुनाई में आ गई। नहीं, बसों में जो आग, बस में आग लगाई थी पुलिस की वैन में, वो तो बाद में लगाई होगी, उस टाइम तो कुछ नहीं था ऐसा। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि कर्फ्यू खत्म हो? हाँ, थोड़ा ढील तो देनी चाहिए और खत्म भी होना चाहिए। वैसे सही बात है, स्थिति अभी भी देर रात पुलिस टीमें आ रही है इधर को? ना, इधर तो हाँ बिल्कुल आ रही है, घूम रही है पुलिस वाले। आप लोगों से पूछताछ हुई कुछ? ना, हमसे तो नहीं हुई पूछताछ। अच्छा, इधर तो इलाके में छापेमारी भी हो रही है? हाँ, शायद चल रही होगी उधर पीछे की तरफ, इधर तो नहीं है।
आप कुछ कहेंगे अम्मा जी? कुछ बस हालात खुदा करे सही हो जाए, जो परेशानी लोगों को है खाने की पीने की, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। देखिए हम लोग तो घर में थोड़ा बहुत खा रहे हैं, जो बेचारा गरीबी आदमी सुबह काम करता है शाम को बच्चों का पेट भरता है वो बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ तो चली सॉरी चल ही रहा है, और जगह देखिए जो परेशानी है, बस खुदा से दुआ करिए हालात मामूल पे हो जाए और सब लोग हंसी खुशी प्यार से जिससे रहते चले आ रहे हैं वैसे रहें। शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। तो ये परिवार जो बनभुलपुरा की इस गली में है, क्योंकि ये किदवे नगर का इलाका है और हम यहाँ पर आपको हालात बता रहे थे, क्योंकि पूरी गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग यहाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे, और अब प्रशासन किस तरह से देखता है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने चाहिए और जो कुछ भी हुआ है उसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जल्द से जल्द दोषियों तक पुलिस पहुँच सके। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में कर्फ्यू के हालात अभी भी बनभुलपुरा में पूरी तरह से टाइट है और प्रशासन ने किसी तरह की कोई ढील बनभुलपुरा में नहीं दी है, लेकिन बनभुलपुरा के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं और स्थिति को समझते हैं कि जो कुछ हुआ। इमरान आप ये बताइए, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए था। ये इससे जो है गरीब आदमी की जो है परेशानी है, मजदूर आदमी की परेशानी है। अब मजदूर आदमी, हम भी मजदूर आदमी हैं, हम भी 3 दिन होगा खाली बैठे हुए हैं, राशन पानी की परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, और हमारे तो मजदूर आदमी है, हम रोज कमाना रोज खाना है, हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब निकल नहीं सकते घर से बाहर। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ क्या चाहेंगे? वो तो अब उसके ऊपर जो अब प्रशासन अपनी कार्रवाई अपने करे, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए था ये, क्योंकि तो अब्दुल मलिक की जो जमीन थी वो कब्जे वाली जमीन थी, उसको हटाना चाहिए था, वो हटा रही थी प्रशासन, उसी को तो हटा रहा। हाँ उसको तो हटाना चाहिए था, जैसे आपको कुछ गैर कानूनी काम है तो उसको तो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर, लेकिन उसके बाद में जो हुआ ये गलत हुआ है, ये अब उसके चक्कर में गरीब आदमी पिस रहा है। अब जब प्रशासन ने कहा कि उसका 14 तारीख पड़ी हुई है तो प्रशासन ने एकदम वहाँ जाकर तुरंत कार्रवाई कर दी। थोड़ा सा उसको भी देखना चाहिए था, जब आपस में बातचीत चल रही थी कि माहौल ना बिगड़े शहर का, उसको देखते हुए अब उन्होंने कहा कि नहीं तुरंत जाके कार्रवाई कर दी। आप आनंद फानंद में आदमी भाग रहा, किसी के पास खाने की चीज़ें हैं किसी के पास नहीं है, अब रोज अब सुबह निकलना है रोड पे जाते हैं तो पता पुलिस वाले परेशान करते हैं मार रहे हैं। रूल्स तो देखिए, जो चीज़ आप बता रहे हैं, अवैध कब्जे को लेकर कई बार नोटिस दिया गया कि ये अवैध कब्जा है आप हटा दीजिए, और जब सरकार कोर्ट से प्रशासन जो है ऑर्डर लेके आ गया कि ये कुछ भूमि का हिस्सा है मलिक का बगीचा उसको हटा दीजिए, तो उसको तोड़फोड़ करने के लिए वो रूल्स थे। हाँ, और पुलिस वहां पहुंची थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, लेकिन जिन लोगों ने, क्योंकि अब्दुल मलिक का भी एक वीडियो आ रहा है जिसमें वो बहस कर रहा है अधिकारियों के साथ कि इसको जो है ये मेरी, जब उससे कागजात दिखाने के लिए बोले गए तो उसने बोला कागजात नहीं थे, बिल्कुल नहीं है कागजात, सही कहा आपने। और लेकिन ये इनका डिसाइड तो ये हुआ था ना कि हमने ये चस्पा कर दिया है नोटिस आपको, अब आप कोर्ट के लिए कुछ इस तरह की इनकी बात बनी थी, ये तो हम खैर हमारे सामने तो है नहीं, तो वो जो हुई बात तो उसके बाद फिर प्रशासन ने आके तोड़ा उसको, बात तो यहाँ से खत्म हुई ना, बात जो बड़ी है वो तोड़ने के ऊपर बनी है। उनको ये कहा था भाई आप कोर्ट का रास्ता है, जो हमने सुना है, मतलब हमने देखा तो नहीं। हाँ बातचीत के जरिए से उसको किया गया था। अच्छा अब इधर आ जाइए, 4 दिन हो गए, जब रूल एक उसके कर्फ्यू के है तो उसमें इतनी छूट भी देनी चाहिए, लोग परेशान हैं यहाँ। नहीं आज छूट क्या, आज तो दूध की सप्लाई रात से शुरू हुई। नहीं है कहाँ है दूध, ना कोई नहीं लाया दूध, तो वो दूध तो वो ब्लैक ही लेके आ रहे हैं, वो बिजली प्रशासन गाड़ी दूध की और दवाइयों की गाड़ी ऋषा पांडे जो हैंगी वो लेके आई थी यहाँ, उन्होंने बटवाई यहाँ लाइन लगवा के दूध पर बिका, हमें तो पता ही नहीं चला, हम और दूध खत्म हो चुका था, कभी गाड़ी आई थी यहाँ चली गई। और मेरा कहना एक यह है कि अगर वो पता न्यूज में दिखा रहे हैं 50 रुपए के स्टाम्प पे जमीन बेची जा रही थी, तो आप बताइएगा आप वो जो स्टाम्प पे मोहर लग रही तो वो भी तहसील से तो लग रही है, उस टाइम अधिकारी उस बात को नहीं देख रहे हैं कि ये जमीन बिक रही है यहाँ पर। आज इतना कुछ हो गया तो वक्त को कह रहा है कि 50 रुपए के स्टाम्प पे जमीन बेची जा रही है, अब्दुल मलिक ने वो स्टाम्प में बेची है, बेची तो वो सरकारी मोहर लग के तो वहाँ भी तो उनके पास इसकी वो रिपोर्ट नहीं होगी, तो हुई है उसकी तहसील में, जब वो शुरू से बेचना शुरू करा है उसने जमीनों को, तो क्या वो उसके पास प्रशासन के पास या इसकी रिपोर्ट नहीं होगी?
अच्छा फिर इतनी बड़ी सजा दी जाती है, एक जमाने से वेटिंग हो रही है वो तो देखिए जिस तरह के हालात हुए थे, क्योंकि जो महिला पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और उसके अलावा महिलाओं को प्रदर्शन के लिए आगे किया गया, वो हम सहमत नहीं उस चीज से, सहमत गलत है, कई सारे हमने देखा था वीडियोज वायरल हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे पत्थर मार रहे हैं, फिलहाल हम उसकी निंदा करते हैं कि वो गलत है, पुलिस महिलाओं और नाबालिग बच्चों पर एकदम पे हमला नहीं करती है, और इसी वजह से ये प्लानिंग की गई थी कि महिला ब्रिगेड को आगे कर दो और उसके बाद हम हमला कर दो, ये तो कहां तक जाए, ये तो गलत बात है क्योंकि वहाँ पर तो जैसा माहौल बना उसको देखते हुए आदमी ने 1 किलोमीटर पड़ता है, हाँ, तो हम पा रहे हैं तो इतने दूर तक असर यहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ एक चीज के लिए हम लोग परेशान हैं, हर चीज के लिए परेशान हो रहा है, हमारा मैं पहले तो एक भी जानता नहीं कि 1 किलोमीटर का वो है, वो हमें तो पता भी नहीं, बाद में पता चला, मैं अपनी शॉप बंद करके काम से लौट के आए तो हमें खुद क्यों, यहाँ तो हमारे गरीब में थाना है, यहाँ इतनी फोर्स एकदम आ गई, भागना शादी है मेरे बेटे की, अब बताइए आप क्या करूँ, मैं परसों नहीं कल बारात जानी है, कल बारात जाएगी 12 की है, क्या करें, जी की शादी थी कल जो कैंसिल हुई है, तो अब क्या करें हम, किससे कहें, कैंसिल हो गई, लगन गार्डन हमारी कोई सुनवाई हो रही है, तो हम वो बता रहा है समझी परेशानी झेल रहे हैं, लगन गार्डन में शादी थी हमारी भतीजी की, अब वो कल बारात आनी थी वो कैंसिल हो गई, 10 तारीख की बारात थी, क्या करें, कर्फ्यू लगा हुआ है, इंदिरा नगर में घर है, रामपुर से बारात आ रही थी, तो इस चक्कर में जो है वो कई शादियां कैंसिल हुई हैं, और परेशानी का पानी की फिजा में इस तरह की चीजें कभी नहीं हुई, हम तो बचपन से यहीं पर ही पैदा हुए हैं, बढ़िया है, पहले प्रशासन ने भी सब सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि प्रशासन सपोर्ट नहीं करता, सब चीजें सही है, लेकिन आज पहली बार बाबूनी सर ने भी हमारा बहुत अच्छी तरीके से संभाला है, और प्रशासन को ऐसा कुछ नहीं है, थाने से भी वो अच्छी सब प्रक्रिया है, पर जो ये हुआ ये समझ से बाहर है हमारी, क्योंकि ये पता नहीं क्यों हुआ, ऐसा समझ में नहीं आया कि कुछ लोगों ने ऐसा करा है, इसको माहौल बनाया है, ये समझ से बाहर, थाने में आग लगी ना तब लोगों को पता चला हुक्के गया, ये भी यहाँ पर कुछ इनपुट मिले हैं कि बाहरी तत्व जो है वो भी यहाँ पर, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम भी यहाँ पर रहता है, तो उनकी भी हो सकती है साजिश इस तरह से, नहीं ये हो सकता है भाई, देखो कहने में आदमी दिमाग से कुछ भी अपने सोच सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बाहर के तो है लोग रहने वाले, आ रहे हैं रह रहे हैं लोग यहाँ पर, ऐसा नहीं है, यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसा ये हुआ, क्योंकि बिल्कुल ही एकदम से जो है, मतलब पहली बात तो पुलिस पे पथराव नहीं होना था भाई, अनुशासन में रहना चाहिए हर किसी को, आप नागरिक हैं ठीक है ना भाई, जब बागुनी सर समझा रहे हैं, जो मैंने उनका स्टेटमेंट देखा था, जो वीडियो वायरल हुई थी जिस दिन आपने न्यूज चलाई थी, वो जिस दिन ये घटना हुई है, तो उस टाइम पे जो वीडियो देखी गई, वो वीडियो में बागुनी सर समझा रहे हैं, उसमें काफी लोग खड़े हुए हैं, वहां के पार्षद भी हैं, सब कुछ हैं, कि भाई ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मगर उनकी किसी ने सुन के ही नहीं दी भाई, बागुनी सर बात को संभालना ही तो चाह रहे थे, तो उनको कॉपरेट करते, कोई कॉपरेट नहीं करना चाह रहा था उनको, एकदम से हाई उल्ला बढ़ा दी, एकदम से पत्थरबाजी कर दी, तो ये पत्थरबाजी नहीं होनी थी कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि देखो यहाँ पर सब वर्ग के लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा है, सरदार भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, सब रह रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे भी हैं घर के अंदर, छोटे अभी 6-6 महीने के बच्चे जो हैं वो दूध के लिए भी लग रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार बताइए, कौन है जिम्मेदार, हम परेशान हैं, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं और लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग कैसे मैनेज कर रहे होंगे बताइए आप मेरे को, ठीक है, अब ये जो लोग मरे हैं इनका कौन जिम्मेदार है बताइए, ये जो लोग मरे हैं इसके अंदर भीड़ के अंदर, वो इनका जिम्मेदार कौन है, क्या ये अपने घर के नहीं है, फिर देखिए उपद्रव जब होता है, उपद्रवों की भीड़ जिस तरह से काबू में करनी थी, तो उसी वक्त उनको गोलियां लगी हैं, और क्योंकि फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से, एक तरफ तो पुलिस प्रशासन काबू में करने के लिए करता है, लेकिन जो उपद्रवी थे उन्होंने जो अवैध पिस्टल वगैरह से फायरिंग की थी, तो उसका जवाब दिया, उसी घटनाक्रम में इनकी मौत हुई, हाँ वो तो हुई है मौत, मगर मतलब अब इसमें कुछ बेगुनाह भी तो मरे हैं सर, ये तो देखिए बेगुनाह कैसे मरेगा, उसमें बेगुनाह तब मरेगा जब वो भीड़ का हिस्सा नहीं होगा, हाँ भीड़ का हिस्सा नहीं होगा, कुछ लोग देखने भी आए तो वो बेगुनाह दिखते हैं, हुआ बहुत गलत है, और मैं भागुनी सर को सैल्यूट करूंगा कि भागुनी सर ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे उसको संभाला है, ऐसा नहीं वो आगे भी संभालेंगे इस चीज को, क्योंकि वो देखते हैं चीज को, ऐसा नहीं भाई ऐसे है हमारे थाने इंचार्ज है, सबसे बढ़िया गुड बंदे हैं वो, ऐसा नहीं है, और उन्हें हमेशा इस यहाँ की फिजाओं को हमेशा संभाल के रखा है, ऐसा नहीं है, हमेशा उनके स्टेटमेंट अच्छे आते हैं, और वो बेचारे पहले भी बहुत बोल रहे थे, वीडियो उनकी आप देखना, वो तब भी कह रहे थे वहाँ जिस टाइम पत्थरबाजी चालू हुई है, कि भाई मान जाओ रुक जाओ, मत करो इस मुद्दे को उठाओ, क्योंकि उसकी लीज जब पूरी हो गई है 1933 का था वो, और 1933 में वो खत्म हो गई 23 के अंदर, जब उसके 100 साल पूरे हो गए, तो उसके ऊपर तुम बिना परमिशन तुमने उसके ऊपर मस्जिद बनाई है, तो उसके लिए वो सब कर रहे थे, उसमें पंकज उपाध्याय हों, क्या नाम है अपना, जो क्या नाम है नगर पालिका के हैं नगरयुक्त, उन्होंने कहा उस चीज को, तो भाई आप अनुशासन में रहकर उस काम को करते, आपको कुछ अगर निकालना था तो आप जो है लीगल प्रोटेक्ट जो होता है, आप एक कैंडल मार्च निकाल देते, आप कोई दिक्कत नहीं थी, आप सब समुदाय के लोगों को इकट्ठा करके भाई अपनी बात को रखते, भाई उन लोगों ने जमीन तो नहीं खींच ली थी,
तोड़ा ही तो था, जमीन तो वहीं थी। आप अपनी बात को रखते और रखने के बाद जो है तरीके से रखते बिल्कुल ही कि सर हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। उनको वहां खुशी मिल गई तो आप अपनी खुशी को ऐसे इजहार कर लेते हैं, मगर आपने क्या करा कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। क्योंकि एक ये तरीका नहीं, वीडियो भी वायरल हो रहा है जो अब्दुल मलिक है वो लगातार जो रिचा जो अधिकारी है ना सिटी मजिस्ट्रेट उनसे बहस कर रहे हैं और वो कह रहा है कि वो अगर जब कागज मांग रहे हैं तो वो दिखा नहीं पा रहे हैं, है ना, कागज नहीं दिखा पा रहे। ये तो इनका अपना है क्योंकि बगीचा तो मलिक साहब का था, ठीक है, नहीं बगीचा तो मलिक साहब का है, वहां तो लोगों को बसाया गया है, वहां पर जो भी रखा गया है वो उन्होंने खरीदना शुरू करी, जमीनें उनको खरीदनी नहीं थी। पहली बात तो लीज की जमीनें बिकती नहीं है, सबसे पहली चीज है, सबसे पहला तो अनुशासन ये तोड़ा कि लीज की जमीनें बिकती नहीं है, जब वहां पर बिक गई हैं अब उन पे वो ढील भी देता प्रशासन की, चलो भाई ठीक है यहाँ पर एक समुदाय के लोग रह रहे हैं इनको थोड़ी ढील दी जाए, तो अब ये जो मसला खड़ा हुआ है लड़ाई का तो फिर अब इसका क्या हल है, इसका तो हल कोई निकलेगा ही नहीं भाई। इसमें तो यही है कि अगर आप लोग सहयोग दें पूरा प्रशासन को तभी इस मसले का हल निकल सकता है और पोलाइटली होकर निकल सकता है। थैंक यू, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि इस पूरे मसले पर जो कुछ हुआ वो गलत हुआ है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरे मामले पर, लेकिन अभी भी यहाँ पर कर्फ्यू लागू है।